अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद COVID-19 के अवेयरनेस नहीं है, बट इट्स अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान एंड द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस सिचुएशन। हाँ, हमारे मुल्क में लास्ट वीक जो है एक बहुत हीटेड डिबेट चल रही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोनों की तरफ बहुत वैलिड पॉइंट्स थे। दोज हु वर इन द फेवर ऑफ लॉकडाउन, उनका कहना यह था कि अगर हम इटली या फिर स्पेन की मिसाल ले लें तो वहाँ पर टाइमली जो है वो लॉकडाउन नहीं हुआ और अब केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डेथ्स जो हैं वो चाइना से भी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इस वजह से लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। और एज़ यू नो, हमारी जो यहाँ पे आवाम है उसको नहीं समझ के सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सेल्फ़ क्वारंटीन क्या है या फिर सेल्फ आइसोलेशन क्या है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट था। एंड ऑन कंट्रेरी, जो लोग ये चाहते थे कि लॉकडाउन ना हो उनका भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट था। देर आर मैनी पीपल हु आर अफेक्टेड बाई दिस लॉकडाउन और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था, स्पेशली वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स दिस सिचुएशन और हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो अफेक्टेड हैं सिचुएशन से। ये वो पॉइंट्स देने से पहले या उनकी सोल्यूशन देने से पहले आप एक छोटा सा GNN की तरफ से क्लिप है वो देख लें एंड देन वी विल टेल यू द पॉइंट्स। बंद कर दोगे तो मजदूर लोग हैं, जो नीचे वाले लोग हैं वो क्या करें, उनके पास काम नहीं है तो वो घर में बैठ के भूखे मर जाएंगे। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है और मेरी बूढ़ी माँ है और मेरी बेगम है, लेकिन मेरे पास मजदूरी करने के लिए वक्त है। दिन रात मेरी कोशिश है मुझे काम मिल जाए, मजदूरी करने में मेरे में जज्बा है, ताकत है, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं है, कोई काम करवाने पर राजी नहीं है। किस लिए? ऐसा खुदा का अजाब आ गया, खुदा के लिए खुदा से डरो और रहम करो। जो सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली जो हमारे घर में काम करती हैं मेड्स या कोई माली या कोई कूड़ा उठाने वाला इस तरह का कोई भी बंदा है, उनको उनकी पे पूरी दीजिएगा, प्लीज़ उनकी पे पूरी दीजिएगा, क्योंकि अगर इन अल्लाह ना करे नेक्स्ट मंथ भी पूरा लॉकडाउन में जाता है स्टिल उनकी पे पूरी दीजिएगा, हम फिर शायद थोड़ा सर्वाइव कर लें। हमने अपने घर में राशन भी शायद रखा होगा, मगर वो जो लोग बहुत थोड़ा कमाते हैं प्लीज़ उनकी पे उनका बहुत ख्याल रखें। उसके अलावा जो है वो दिहाड़ीदार जो लोग हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, मजदूर हो गए, कोई रेहड़ी वाले हो गए, यू नो के दे आर गेटिंग इफेक्टेड द मोस्ट, क्योंकि जाहिर है रेहड़ी लगा भी लेगा कोई रेहड़ी वाला तो कोई आके खरीदेगा नहीं, कोई रिक्शे वाला रिक्शा चला भी लेगा तो कोई आके उसके रिक्शे में बैठेगा नहीं, मजदूरों की भी जो है वो खत्म हो गई है। वो लोग ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इस टाइम। तो अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का कोई बंदा है, अगर आपको पता है किसी का या रिमोटली आपसे कोई लिंक्ड है, आप अगर पैसे नहीं भिजवा सकते तो डायरेक्ट सामान भिजवा दें उनके घर में। एंड थर्ड में जो हमारे जो अफेक्टेड हैं वो हैं सैलरीड पर्सन, जैसे कि गार्ड्स हो गए, कोई भी आप देखेंगे किसी भी बैंक के सामने, किसी भी स्टोर के सामने गार्ड्स, उनकी या तो काफ़ी लोगों की नौकरी जा चुकी हो गई या वेटर्स हो गए। इस वक्त वेटर्स भी जो हैं वो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज होते थे वो भी सैलरीड पर्सन थे। और आपको आपके हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा हो जो सैलरीड हो, या फिर खुदा ना खास अब किसी की जॉब छूट गई हो इसी वजह से, क्योंकि लोग भी तो क्योंकि कंपनीज या फिर रेस्टोरेंट्स भी तो कर रहे हैं इस तरह के काम के वो लोगों को निकाल रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट, वो खुद नहीं अर्न कर रहे तो उनको क्या प्रोवाइड करेंगे। तो आप कोशिश कर लें अपने पार्ट से, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का ख्याल करें, हम लोगों को ढूंढें। अगर आप स्पेशली सबसे पहले तो आप ये करें, कोई जो बेसिक नेसेसिटी होती है दाल चीनी आटा और चावल ऑयल, ये उनके घर में उनको प्रोवाइड करें मंथली एक बेस पे, उनको मंथली बेस के ऊपर एक पूरा उनको राशन दे दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप उनको पैसे दे दें डायरेक्टली, वो खुद बाय जाके बाय कर लें इन चीज़ों को। एंड इन द लास्ट, अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है बाहर जाने से कि अगर आप ये चीज़ खुद जाके नहीं पर्सनली करना चाह रहे, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, दिस इज़ टोटली फाइन, दिस इज़ टोटली ऑल राइट, अगर आप डर रहे हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल है। तो आप जो हैं कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आप उनको जो हैं अपने डोनेशन से सकते हैं। एग्जैक्टली, इस तरह की काफ़ी मैं स्पेशली मैं खुद भी इस टाइम इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ कि डोनेशन लेके जो मैं अपने आसपास के जितने लोगों को कर सकता हूँ, जो मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ मैं इसमें करूँगा। मगर देर आर मैनी पीपल, देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी पूरी डिस्क्रिप्शन मैं अभी लिंक में नीचे मैं दे दूँगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर होगा, उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपके सिटी में कौन कर रहा है या किस तरह कर रहा है, आप उनको डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं या डायरेक्ट चीज़ें भेज सकते हैं। अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं किसी चीज़ को वो भी बहुत अच्छा होगा, यंग जनरेशन जो है हमारी खुद आगे खड़े होकर वॉलंटियर भी कर सकती है, अपनी
पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और ख़ुद वॉलंटियर भी करें इस चीज़ के लिए आप. लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान आने वाला है एंड आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम जिसमें हम अपनी ज़कात निकालें, सदकात निकालें और उन लोगों को दें जिनको इसकी बहुत सारी ज़रूरत है. इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.